उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज बोराड़ी स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आगाज किया। रेखा आर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ में ग्राम स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जो बच्चा निकलेगा आगे बढ़ेगा और बच्चों में खेल के प्रति काफ़ी रुचि है और सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है और बच्चे भी जिम्मेदारी के साथ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से चयन कर लाना होगा बच्चों को और बच्चों को भी अपने खेल के प्रति रुचि दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खेल मैदान नहीं है, खेल मैदान बनवाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने मसाल दिखाकर खेल महाकुंभ का आगाज किया। कैबिनेट मंत्री के साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित कई भाजपा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला स्तरीय इस खेल महाकुंभ का आज माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। केशव चौहान और पंकज कृपया मंच में आके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। केशव चौहान और पंकज दोनों जो जनपद स्तरीय है आज उसकी शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है और इस खेल महाकुंभ की पूरी परिकल्पना यही है कि हमारे बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, हमारे बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे हमारे बच्चे जिनके अंदर खेल प्रतिभा विद्यमान है ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए और साथ साथ में जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के तहत जो बच्चे खेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो खेल छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष से प्रारंभ होती है, ऐसे बच्चों को भी चिन्हित करते हुए न्याय पंचायत से पहले ब्लॉक स्तर पर लाया गया, ब्लॉक स्तर से फिर आज जिले स्तर पर और जिले स्तर फिर कल आने वाले समय में जो है राज्य स्तर पर जीते हुए बच्चे उनमें प्रतिभाग करेंगे। तो निश्चित रूप से एक ग्रामीण स्तर के बच्चे को जो है हर प्रकार का अवसर प्रदान करना सरकार की ओर से ये जिम्मेदारी बनती है, खेल विभाग की ओर से जिम्मेदारी बनती है, युवा कल्याण विभाग की ओर से जिम्मेदारी बनती है, उसी का निर्वहन है। और मैं मानती हूँ कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारे बालक हो अथवा बालिकाएँ हों, उन सब ने जो है अपने दमखम को दिखाने का काम किया है। निश्चित रूप से इन्हीं बच्चों में से जो एक्सलेंट बच्चे होंगे उनका आगे भविष्य में चिन्हित करते हुए, उनको स्पेशल कोच प्रदान करते हुए उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनको तराशा जाएगा। खेल मैदान हो सके, मिनी स्टेडियम वहाँ पर बन सके, ऐसे जहाँ जहाँ की भी संभावनाएँ बनती है वहाँ के सम्मानित चाहे जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में हो, जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हो, सदस्य के रूप में हो, प्रमुख के रूप में हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसकी घोषणा करवाते हुए अथवा सामान्य प्रोसेस के माध्यम से जमीन की उपलब्धता के साथ में विभाग को भेजने का काम